हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमाम हुसैन और आप देख रहे हैं एसडी बिहार ब्लॉग। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं डुमरिया पेट्रोल पंप। हम लोग यहां पे पेट्रोल कुछ डलाएंगे और उसके बाद कटिहार का नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे एसडी बिहार ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, पेट्रोल फाइनली डला चुके हैं और वीडियो दिखाते लोग हैं। अभी जा रहे हैं कटिहार, यहाँ से फिर थोड़ा सा आप लोगों को कटिहार का नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं बालूघाट पुल। तो फाइनली हम अभी पुल बालूघाट पुल जो है उसमें इन कर रहे हैं और ये हो गया आपका पुल का पश्चिम साइड। ये फाइनली हम पुल पे आ गए हैं। ये हो गया बालूघाट पुल और आप देख सकते हैं हमारे जो बिहार के इंजीनियर हैं कितने मुशक्क़तों के साथ यहाँ पे पुल निर्माण किया है। इस पुल को बनने में 3 साल से अधिक समय लग गया है। ये छोटा पुल है, इस पुल का लंबाई लगभग आपका 35 से 40 फीट होगा और ये 3 पाया का पुल है और हाइट 28 से 30 फीट के आसपास इसका हाइट है। ये देख सकते हैं ये बड़ा पुल हो गया, ये 7 पाया का पुल है और यहीं पे आपका राइट साइड में वहाँ पे आपका जो पोस्ट मॉर्टम के बाद जो नन मुस्लिम का शव आता है उसका वहाँ पे संस्कार होता है और राइट साइड में भी यहाँ पे अच्छा सुविधा है नहाने का। इसी जगह में राइट साइड में जो है छठ मैया का जो पर्व होता है छठ मैया का, ये राइट लेफ्ट साइड में उसका मेला लगता है छठ के समय में, बहुत शानदार मेला लगता है। तो आप इस जगह में आ सकते हैं। पुल का लास्ट एंड है, यहाँ पे मछली खस्सी का गोश्त वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ये हो गया हवाई अड्डा, इसका ग्राउंड भी बढ़िया से सरकार की तरफ से कर दिया गया है ताकि बाहरी लोग को यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत। कुछ ही देर में हम शरीफगंज चौक पहुँचेंगे और आपको वहाँ का भी रिव्यू कराएंगे कि यहाँ क्या क्या मिलता है और क्या नज़ारा है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हवाई अड्डा। यहाँ से ऑटो आपको बरारी के लिए भी मिल जाएगा, मनिहारी अगर आप जाना चाहेंगे तो मनिहारी के लिए भी ऑटो 18 घंटा अवेलेबल है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार विनोदपुर, ये डॉक्टरों का खजाना है। यहाँ पे हर तरह के आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, पीडिया, ऑर्थोपेडिक, फिजिशियन और कुछ आगे जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा महालक्ष्मी स्टाइल साड़ियों का शोरूम। यहाँ पे अच्छा से अच्छा साड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आइए और परचेज कीजिए। विनोदपुर के इंड में आपको चौधरी मेडिकल मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कटिहार में कहीं भी कोई दवा नहीं मिलता है कोई भी डॉक्टर का, यहाँ पर आपको पूरी दवाई यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग अभी चलते हैं शहीद चौक। ये शहीद चौक आपका यहाँ पे अग्रवाल साइकिल स्टोर भी आपको मिल जाएगा। ये आगे आप हम लोग चलते हैं शहीद चौक। कुछ देर के बाद हम लोग शहीद चौक निकलेंगे और ये आप लोग देख पा रहे हैं शहीद चौक। इससे आपको रेलवे स्टेशन भी राइट साइड से जा सकते हैं और लेफ्ट साइड से आपको सदर हॉस्पिटल मिल जाएगी। उसके बगल में आपको और सारे डॉक्टर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल हैं यहाँ पे। इसका ग्राउंड राउंड हो गया था, हम लोग सीधे निकल। दोस्तों हम विनोदपुर से निकलते हुए शहीद चौक होते हुए अभी हम ओवर ब्रिज से होता हुआ ये आपका देखिए कितना अच्छा ब्रिज बन रहा है। ये यहाँ से गाड़ी आपको डायरेक्ट मनिहारी होते हुए आपको यहाँ से क्रॉस मिल जाएगा।
देखिए आप नया पुल बन रहा है, ये वाला ये नया ब्रिज बन रहा है, कितना चमकदार उस पार जाने के लिए। ये जो पुल, ये अभी दूसरा ओवर ब्रिज बन रहा है चार चक्का वगैरह जाने के लिए, और ये पुराना ओवर ब्रिज है। और ये ट्रेन रेलवे स्टेशन, कटिहार रेलवे स्टेशन है ये, देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है। अभी पहुंच चुके हैं जीआरपी चौक कटिहार, अब देख सकते हैं ये जीआरपी चौक है, और आगे राइट साइड में स्टेशन के लिए आपको अभी इन करने के लिए देख सकते हैं कटिहार रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ जीआरपी चौक हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, अभी हम लोग फाइनली आगे चलेंगे मनिहारी मोड़, और फिर मैं आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग अभी पहुँच चुके हैं अमर जवान मनिहारी मोड़, यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक मिल जाएगा, अगर आपको कहीं में पैसा निकालने का ज़रूरत अगर पड़ जाए तो आपको यहाँ पे पैसा निकालने का भी सेंट्रल बैंक मिल जाएगा। और ये देखते हैं अमर जवान चौक, और आप देख सकते हैं बहुत भारी भरकम भीड़ है यहाँ पे, और हम अब आगे निकल रहे हैं मनिहारी मोड़ से पूर्णिया के लिए। ये सार्वजनिक हनुमान मंदिर है कटिहार का, और थोड़ा सा आगे जाके कोर्ट मिलेगा, उससे भी आगे अगर आप इस रूट में कभी चलते हैं, अगर आपको पता करना है तो हमारे HBBR ब्लॉग से आप पता कर सकते हैं, इसके द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग कोर्ट की तरफ आगे निकल लिया, आपको ऑटो भी मिल जाएगा पूर्णिया के लिए, आपको ऑटो मिल जाएगा, और हर एक 15 मिनट में बस भी चलती है यहाँ की पूर्णिया के लिए। फाइनली दोस्तों हम कटिहार का जो भी नज़ारा आपको हम दिखा पाए, अगर आपका वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे HBBR ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। राइट साइड में आर्मी कैंप है, यहाँ हमारे देश के जवानों का जो सिलेक्शन किया जाता है, और इस दौड़ में भाग लेने के लिए जो हमारे जवान हैं, जो नवयुवक हैं, वो 12 बजे 1 बजे रात को आके यहाँ पे लाइनिंग में खड़े हो जाते हैं, और हमारे जो कैंप मैनेजर है उनके अनुसार समय एक निर्धारित किया जाता है, और फिर दौड़ लगाया जाता है। ये कैंप है राइट साइड में। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं से लास्ट करते हैं और लेते हैं तब तक के लिए विदा।